हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस और फ्रेंड, कैसे आप सब? आज तारीख है 13 जुलाई, सुबह के बजते 5 और दिन है बुधवार। और फ्रेंड, इस टाइम अर्ली मॉर्निंग है, बाहर अंधेरा ही हुआ है अभी। और मैं 5 बजे से पहले ही उठ गई हूँ लगभग, और चाय बना रही हूँ, साथ में आटा भी गूंद रही हूँ, और क्योंकि आज जल्दी खाना बनाना है। मेरा छोटा बेटा 7:30 के आसपास ऑफिस चला जाता है, उसका ऑफिस गुड़गांव में ना, इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। आटा गूंद के मैंने सेट करने के लिए रख दिया और चाय बन रही है। साथ में मैंने न्यूट्रेला भिगो के रख दिया है और चावल भिगो के रख दिए। चावल मैं हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, न्यूट्रेला मैं छोटे बेटे के लिए, और मटर पनीर की अलग सब्जी बनाऊंगी, और मटर पनीर में ही मैं चावल का पुलाव बनाऊंगी। तो तीनों के लिए अलग अलग, हमारे घर में सबका अलग अलग नाश्ता और अलग अलग लंच बनता है। आधी तैयारी मैंने लगभग कर ली है, और चाय पीने के बाद मैं फिर नहा नहा के दिया बाती करूँगी, उसके बाद बाकी का खाना बनाऊँगी। बाहर आसमान में बादल छाए हुए हैं, देखो क्या होता है। बारिश तो कल भी हुई थी, लेकिन अभी बादल छाए हुए और हल्का सा उजाला हो गया। 5:30 के आसपास टाइम हो गया। मैंने दिया बाती भी कर लिया है और गेट पे दूध वाला दूध भी लिया है, वो दूध अंदर लाती हूँ। 2-3 दिन बाद आज दूध बुक हुआ, तो आज ही दूध मिला, दही दूध वगैरह वो सब मैं अंदर रखती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज दिन बुधवार है और सुबह के बजे 5:30। उठ तो मैं 5 बजे गई थी, और उससे पहले मैंने नहा लिया, पूजा कर ली है, और अब मैं बना रही खाना। पहले मैं 6 बजे उठती थी, आज से मैं थोड़ा जल्दी उठ रही हूँ 2 दिन से, क्योंकि मेरे छोटे बेटे का ऑफिस खुल गया। पहले वो जब से पैंडमिक चला था तो वो घर से वर्क फ्रॉम होम करता था, अब वो ऑफिस खुल गया तो वो ट्यूजडे से कल से वो ऑफिस जाने लगा। उसके संडे मंडे 2 दिन की छुट्टी होती है, तो उसका वीक स्टार्ट ट्यूजडे से होता है। फिर अब जल्दी उठना पड़ रहा है, उसको गुड़गांव जाता है तो लगभग 3 घंटे लग जाते हैं जाने जाने में मेट्रो से। जल्दी उठ रही हूँ, और आज के दिन आप सबके लिए मंगल दे हूँ, यही ईश्वर से कामना करती हूँ। और आज आकाश में बादल छाए हुए, ये मैं आपको दिखाती हूँ बादल। ये देखो, बारिश तो कल भी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज भी होगी। बारिश हो जाए तो अच्छा, थोड़ा गर्मी से राहत मिलेगी। सुबह 5:30 बजे का व्यू है ये, ऊपर आकाश पर बादल। और बट अभी वो चील आई नहीं है, चील 7 बजे के आसपास आती है, अभी अर्ली मॉर्निंग है। फ्रेंड्स, आपके किचन टिप्स बताती हूँ। किचन टिप्स तो क्या, वैसे हमारे घर के लिए है वो टिप्स। आजकल बरसात स्टार्ट हो गई है, तो ऐसे में ना बहुत ये कीड़े मच्छर मक्खी घर में आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप कॉफ़ी पड़ी है, चाहे नई कॉफ़ी है चाहे पुरानी कॉफ़ी है, तो पुरानी कॉफ़ी भी चलेगी और या नई वाली जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज कर सकते हो। करना क्या है कि एक पुराना तवा लीजिए या कोई भी पैन चौड़ा सा, लोहे का हो तो ज़्यादा बेटर है। आप उसको गर्म कर लीजिए और उस पर 1 चम्मच कॉफ़ी डाल दो, धीमी आंच में गर्म करना और 1 चम्मच कॉफ़ी डाल दो। और फिर उसको जब तवा गर्म हो जाए तो वो कॉफ़ी डाल दें उसके ऊपर फैला के, फिर जो उसका जो स्मोक आएगा, धुआं आएगा, उसको आप सारे घर में फैला दीजिए। जब भी आपको लगे कि मच्छर मक्खी ज़्यादा हो गए तो उस टाइम ये करिएगा, सारे घर में फैला दें, तो उससे आपके मच्छर मक्खी भाग जाएंगे या मर जाएंगे। और आप उसको वैसे ही रखिए, फिर शाम को या जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसका रीयूज भी कर सकते हैं। जब तक उसमें स्मोक आएगा वो मच्छर मक्खी वगैरह आपके घर से भाग जाएंगे। एक बार आजमा के देखिएगा, जरूर फायदा होगा। थैंक यू। जब दूध उबाल आता है तो उसको धीमी आँच में रखिएगा, उसको ऊपर ढक्कन लगा दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जो हमारा दूध उबलने वाला होता था उसके ऊपर कोई लकड़ी का, जैसे करछी या चम्मच, कोई भी जो लकड़ी का हो उसके ऊपर ऐसे आड़ा रख दीजिए, तो उससे दूध उबाल तो आएगा लेकिन चूल्हे वगैरह पे गिरेगा नहीं। एक बार आजमा के देखिएगा और फिर जरूर बताइए मुझे कि आपको फायदा हुआ कि नहीं। कोई बंदर तो नहीं है? लगभग 7 बज चुके हैं, अब मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। उन्हें ना टाइम नहीं मिलता, सुबह जल्दी चले जाते, रात को 10 बजे तक घर आते, तो टाइम नहीं मिलता, इसलिए उनके कपड़े वगैरह भी मैं ही प्रेस करती हूँ। वैसे तो मैं रात को कर देती, लेकिन अब टाइम के अकॉर्डिंग मैं कर लेती हूँ जब टाइम मिलता है। इधर परांठे भी बन गए, छोटा बेटा परांठे खाता है, उसके लिए परांठे, न्यूट्रेला की सब्जी,
बन के तैयार हो गई है। और इधर ये मटर का उठ गया है, इसमें सब्जी निकालने के बाद में इसमें चावल डालूंगी। हस्बैंड के लिए चाय और बेटे के लिए लस्सी बना रही हूँ। चाय भी बन के तैयार हो गई है। चाय पीने के बाद फिर कुछ और काम करोगे। और बाहर बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तेज़ तो नहीं है लेकिन हल्की है। ये बालकनी में पानी आ रहा है बाहर फ्रंट साइड। टाइम लगभग 8 बज गए हैं। बड़े बेटे के लिए मैं अंडे ब्रेड का नाश्ता बना रही हूँ, अंडे वाली ब्रेड लस्सी और अंडे ब्रेड का उसके लिए नाश्ता। बच्चा तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा मॉर्निंग शेड्यूल। 8:30 के आसपास का टाइम हो गया, दोनों बेटे चले गए। हस्बैंड के लिए पुलाव और ब्रेकफास्ट में चपाती और मटर पनीर की सब्जी दूंगी। और पुलाव में मैंने मटर पनीर को एडजस्ट कर लिया था। वे 9 बजे के आसपास निकलते हैं। तो गाइस अब बज गए हैं 11 और अब मोनिका भी आ गई है। बाकी काम वो करेगी, साफ़ सफाई और क्लीनिंग का और डस्टिंग का। और अभी दोपहर में धूप तेज़ आ गई है, 12 बजे के आसपास बहुत तेज़ धूप हो गई है। और जैसे सुबह माहौल था बारिश का वैसा कुछ नहीं हुआ, हल्की सी बूंदाबांदी हुई। तो गाइस आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। गुड बाय फ्रेंड्स।